क्लास टू में एक मैथ, क्लास टू का मैथ में एक चैप्टर है पैटर्न्स। पैटर्न्स इट मीन्स होता है कोई भी चीज़ आपको जो पसंद आता है वो पैटर्न्स के नाम से पसंद आता है। पैटर्न्स हर जगह है, आप देख लीजिए मेरे शर्ट पे दिख रहा है, ये पैटर्न्स के नाम पैटर्न्स है। पैटर्न्स में कोई भी चीज़ एक या तो वो रिपीट होगा, या वो एक्सटेंड होगा, या वो डिक्रीसिंग ऑर्डर में होगा। पैटर्न्स 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला जो पैटर्न होता है वो नंबर पैटर्न होता है, जितने भी जो उसमें क्वेश्चन होंगे वो नंबर फॉर्म पे रहेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, या उस डिसेंडिंग फॉर्म में रहेगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें, जैसे इसमें नंबर दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, जो भी नंबर फॉर्म में रहेगा वो नंबर पैटर्न होगा। सेकंड नंबर में जो पैटर्न है अल्फाबेटिकल पैटर्न, जो अल्फाबेटिकल पैटर्न में रहेगा, जैसे ए से जेड तक जो पैटर्न्स होगा वो अल्फाबेटिकल पैटर्न्स होगा। आप इस पे देख सकते हो ये जैसे कंटिन्यू, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा अल्फाबेटिकल पैटर्न, ये कंटिन्यू चला है। बीच बीच में आपको उस पर छोड़ छोड़ के भी आपको दे सकते हैं, जैसे ए के बाद सी दे सकते हैं, उसके बाद ई दे सकते हैं। तो जैसे जो रूल प्रीवियस में जो फॉलो हुआ है, पीछे जो फॉलो हो गया हुआ है, उसी को देखते हुए, उसी का रूल को फॉलो करते हुए आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। और थर्ड नंबर का पैटर्न होता है शेप पैटर्न, ये पूरे जो पैटर्न होगा शेप फॉर्म में होगा। तो इसको भी आप देख सकते हो, ये है ना, तो ये भी एक प्रकार का पैटर्न है। इसमें 4-4 कलर, जो पिंक का कलर है कंटिन्यू चला है, फिर इसमें ब्लू चला है, तो इसी को देख के हम उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है पैटर्न एक निश्चित रूल को फॉलो करता है, इस रूल के तहत हम जब भी कोई चीज़ को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमको पीछे को देख के ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है, उसके आधार पे हम कोई भी पैटर्न्स को आगे बढ़ाते हैं।